हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सेटिंग, सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में, सॉरी यहाँ से पे होना है। यहाँ पर डायल पिन को ऑन करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कलर एल डी एन स्पेन। आपको यहाँ से दोनों ऑप्शनों को ऑन कर लेना है। बैक होना है, बैक होने के बाद में आपको ब्लॉक नंबर पर क्लिक करेंगे। अनोन नंबर की कॉल ब्लॉक करना है तो इसको ऑन कर लेना है। जिसके अपने फ़ोन में किसी पर्सनल नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर ट्राई करके और इस नंबर को आप ब्लॉक कर देंगे यहाँ से। तो इस प्रकार आप यहाँ से कॉल ब्लॉक करेंगे। यहाँ से आपको कॉल ब्लॉक कर लेना है। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉलिंग अकाउंट, आपको क्लिक कर लेना है। सिम बनकर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको वाईफाई कॉलिंग, यहाँ पर आपको टर्न और वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन देखने को, यहाँ से आपको कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से कॉल फॉरवर्ड करेंगे। एडिटिंग सेटिंग पर क्लिक करके कॉल वेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने फ़ोन में बैक होना है। बैक होने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट, जैसे कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो इसको ऑन कर लेंगे और आल्बम सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऑन कर देंगे। तो इस प्रकार आपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले, आपको क्लिक कर लेना है। स्टोर बैक पर क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर जो होते हैं उसको आप फर्स्ट नाम या लास्ट नाम से ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नेवर प्लीज, नेवर प्लीज का ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों ऑप्शन ऑन कर लेना है और बैक होना है। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में प्लीज, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके आपके फ़ोन में कोई भी व्यक्ति कॉल कर रहा है और आप इमरजेंसी में फ़ोन नहीं उठा पाए तो आप फ्री होने के बाद में आप यहाँ से उसको कोई भी मैसेज वगैरह ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मैसेज वगैरह, आप यहाँ से ट्राई कर देंगे यहाँ से। और यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको यह ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में साउंड, साउंड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपके फ़ोन में रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिंगटोन चेंज कर लेंगे। सिम बटन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से रिंगटोन चेंज कर लेंगे। यहाँ से आपको रिंगटोन चेंज कर लेना है। यहाँ से रिंगटोन चेंज करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस का, आपको क्लिक करके एडवांस पे ऊपर को स्वाइप करना है। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी साउंड ओपन होंगे, टाइट पेड नोट साउंड, स्क्रीन लॉक साउंड। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में साउंड ऑन कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वीडियो कॉलिंग, आप यहाँ से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वॉइस मेल पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने फोन में वॉइस मेल भी ऐड कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में क्लिक करेंगे, जिस नंबर पर वॉइस मेल भेजना है यहाँ पर वो नंबर अपना ट्राई कर लेंगे और आप यहाँ से वॉइस मेल भेज देंगे। यहाँ से आपको बैक होना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप टू साइलेंट, फ्लिप टू साइलेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। अगर ऑफ हो तो जैसे कि आपके फ़ोन में कोई भी व्यक्ति कॉल लगाएगा तो उसकी तरफ से, इसकी आपके फ़ोन में आप अपने फ़ोन को साइलेंट पे करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन को जब स्लीप करेंगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग इनेबल करेंगे। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।